हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल और आज मैं अपने बाउल टैंक सेटअप में कुछ फिशेज डालने वाला हूँ वो एक भी हो सकती है वो दो भी हो सकती है तो काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा और वो कौन सी फिश होगी वो भी देखने में आपको मजा आने वाला है तो देख सकते हैं मैं आपको थोड़ी अपडेट दे देता हूँ इसके बारे में देख सकते हैं इसमें नए पत्ती आने चालू हो चुके हैं ये जो ऊपर के पत्ती हैं वो अभी अभी आए हैं और देख सकते हैं यहाँ भी कुछ नए पत्ती आना स्टार्ट हो चुके हैं तो इसका मतलब है कि हमारा टैंक बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है और इसमें प्लांट ग्रोथ बहुत अच्छी अच्छी हो रही है और बहुत ही जल्द मतलब इस मंथ के लास्ट में ये टैंक पूरा भर जाएगा मुझे ऐसा उम्मीद है और स्नेल्स की अपडेट देख सकते स्नेल्स मतलब श्रिम्स में हमेशा स्नेल्स बोल देता हूँ तो स्ट्रिम्स भी बहुत अच्छे चल रहे हैं लेकिन मैं इसमें फ़िश इसलिए डालना चाह रहा हूँ क्योंकि पानी का मूवमेंट बिल्कुल भी एकदम जीरो है इसमें तो पानी का मूवमेंट थोड़ा होना चाहिए नहीं तो फिर पानी थोड़ा ख़राब होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं और इसमें कोई पम्प भी नहीं है तो इस वजह से मैं इसमें एक दो फिश सोच रहा हूँ डाल देते हैं तो मैंने फिश लेके आया है देख सकते हैं ये रही फिश देख सकते हैं कितनी सारी फिश है इसमें ये है जेबरा फिशेस, जो कि मैं आज इसमें डालने वाला हूँ देख सकते हैं रेड नियॉन और कुछ नॉर्मल भी है तो चलिए इसमें रेड वाली डालेंगे और नियॉन वाली डालेंगे तो काफी मजा आएगा तो चलिए इसे डालते हैं देख सकते कितनी ज्यादा एक्टिव है फिश और ज़्यादा तो नहीं है ये सिर्फ आठ या नौ पीस है तो इसे मैं इसमें डालने वाला हूँ कितना ज़्यादा मज़ा आएगा चलिए इसे डालते हैं तो देख सकते हैं मैंने इसमें दो फिशेस ऐड करने की सोच रहा हूँ एक ग्रीन एक ग्रीन नहीं हल्की सी लाइट कलर है और एक रेड कलर की है तो इसे डालते हैं ये बस हमारे स्ट्रीम को कुछ करे ना तो चलिए इसे धीरे धीरे रिलीज करते हैं तो ये देखिए एक फिश तो निकल गई दूसरी फिश भी निकल गई अब देखते हैं क्या होने वाला है ये देखिए हमारी फिशेस ये थोड़ा सा कीला हो गया साफ कर देते हैं देख सकते हैं अब इस पानी में बहुत ज्यादा मूवमेंट होगा क्योंकि हमारी दो फिशेस आ चुकी है और देख सकते हैं ये ऊपर से हम आपको थोड़ा नीचे से दिखाते हैं क्योंकि बाउल जो होता है वो थोड़ा अलग टाइप का दिखता है इसमें चीजें बड़ी बड़ी दिखती है देख सकते हैं लेकिन इसमें बहुत सारी जगह होती है तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि ये टैंक बहुत ज़्यादा छोटा है क्योंकि ये बाउल का कुछ स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है इसका ग्लास में कुछ अलग होती है कि इससे सब चीज़ बड़े बड़े दिखते देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा बड़ा दिख रहा है इतना बड़ा है नहीं ना वो इतना बड़ा है तो देख सकते हैं अब थोड़े हमारे पानी में मूवमेंट ज़्यादा होगी तो हमारा पानी भी हेल्दी रहेगा और स्ट्रिम भी हेल्दी रहेंगे वैसे स्ट्रिम को कुछ करें ना वैसे तो कुछ करते नहीं हैं ये सब फिशेज टेट्रा फिशेज होते हैं जो तो आप भी अपने टैग में सब डाल सकते हैं और और मैं सोच रहा हूँ कि इसमें और फिशेस ऐड करूँ लेकिन प्लांट को मैं थोड़े बड़े होने दे रहा हूँ इस वजह से मैं अभी और ऐड नहीं करने वाला तो देख सकते हैं ये जेबरा फिशेस हमारी रेड वाली कहाँ गई रेड वाली ऊपर बैठी है हमें रेड वाली फिश नहीं रही है ये बाउल में ऐसा ही होता है हमारे साथ हमेशा कि हम इसमें कुछ डालते हैं वो दिखती नहीं हमें देख सकते हैं बस यही दिख रही है और ये येलो कलर की है शायद ये ग्रीन नहीं है देख सकते हैं तो ये तो दिख ही नहीं रही इस येलो येलो में ये मिक्स हो जा रही है तो मैं सोच रहा हूं कि ये येलो वाली है उससे मैं रेड ही कर दूँ तो चलिए इसे मैं निकाल लेता हूँ और इसमें रेड डाल देता हूँ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज्यादा खूबसूरत फिश का कलर है देख सकते हैं। देखिए ये इसका कुछ अलग ही कलर है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रहा है ये रेड भी नहीं है ना ही ये ग्रीन है लेकिन सुंदर तो बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है जो इसके अंदर धारियाँ बनी हुई हैं देख सकते हैं कितना रियलिस्टिक लग रहा है ये ऐसा लग रहा है कि ओशियन फिश है ये देख सकते हैं बाकी फिश तो है ही हमारी सुंदर लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही सुंदर है उसका कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और ये बहुत चीप प्राइस की है ये तो मैं आपको बता दूँ ये मुझे फोर्टी रुपीज़ का पेयर पड़ा जिंदगी में पहली बार कोई फ़िश हमें सस्ती मिली है वो ये फिश है क्योंकि उसका स्टॉक आजीव आया हुआ था तो वो मुझे तीस रुपये में दे दिया चालीस रुपये में दे दिया पेयर तो देख सकते हैं अब थोड़ा टैंक हमारा अच्छा लगेगा और जब ये ग्रीन हो जाएगा तो ये हमारी जो जेबरा फिश रेड वाली है बहुत ज़्यादा चमकेगी तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा तो यही थी आज की वीडियो की मैं इसमें फ़िश डालने वाला था और एक और फिश तो मुझे दिख ही नहीं रही है पता नहीं कहाँ घूम गई है वो लगता है मुझे ऊपर को दिखाना पड़ेगा ये देखिए ये ऊपर घूम रही है शायद अब वो नीचे आ गई तो यही थी आज की वीडियो तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे तब तक के लिए टाटा बाय बाय